नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आए हुए कुछ मैसेजेस के जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है स्नेहप्रीत सिंह जी का। इन्होंने लिखा है, सर साउथ वेस्ट ओपन टू स्काई हो सकता है और वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, साउथ वेस्ट ओपन नहीं होना चाहिए। यदि आपके यहाँ साउथ वेस्ट ओपन है और वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि वेस्ट का जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो साउथ वेस्ट का ओपन एरिया है वो कहीं ना कहीं घर के मुखिया को, घर के मालिक को तकलीफ देता है। क्योंकि साउथ वेस्ट जब भी ओपन होता है, खुला होता है, खाली होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार में अनबन होने के कारण भी बनते हैं और जो काम होने चाहिए वो काम प्रॉपर नहीं होते, सारे काम डिले होते हैं और उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। आपके यहाँ बच्चे शादी के लायक है तो बच्चों की शादी होने में भी दिक्कत आने के कारण बन सकते हैं, तो इसलिए साउथ वेस्ट के भाग में कभी भी ओपन एरिया नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, सर वेस्ट फेसिंग प्लॉट में टी पॉइंट वाले कमरे में मुख्य रास्ते की तरफ विंडो या गेट दे सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग है और आप उसमें अपना घर बना रहे हैं तो एग्जैक्ट टी पॉइंट के ठीक सामने आपको ना तो कोई खिड़की देनी चाहिए यानी विंडो देनी चाहिए और ना ही कोई दरवाज़ा लगाना चाहिए। वहाँ पर जितनी सॉलिड वॉल होगी उतना ही अच्छा रहेगा। एज पर वास्तु तो कहा गया है कि कभी भी टी पॉइंट वाला घर नहीं लेना चाहिए, टी पॉइंट वाला घर हमेशा ही नुकसानदायक रहता है। कुछ टी पॉइंट एज पर वास्तु अच्छे माने जाते हैं, फिर भी मेरा अपना जो पर्सनल अनुभव रहा है, कोशिश करें कि टी पॉइंट वाला कोई भी प्लॉट आप ना खरीदें। अगर आप अपना ये प्लॉट चेंज कर सकते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ये प्लॉट जरूर चेंज करें। आपको अपने घर के प्रति कोई भी डाउट है और आप मेरे से कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूँ। जो आपकी अपनी क्वेरी है उस क्वेरी का आंसर जरूर दूँ। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।